सो गाइस, तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को गाइस कुछ इसी टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूं मेरे भाई। जैसे कि आप लोग अपने फेस को स्मूथ कैसे करेंगे एंड व्हाइट कैसे करेंगे एंड अपने हेयर को आप लोग कैसे एडिट करेंगे एंड अपने बैकग्राउंड को यहां पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड को आप कुछ इस टाइप से अच्छे से आप लोग एडिट मेरे भाई लोग कैसे करेंगे। और मेरे लोग यहाँ पे एक और मेरा फोटो है जिसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग है मेरे भाई लोग। और मेरे भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्मल फोटो है मेरा, तो देख सकते हैं कि फेस कितना ज्यादा बेकार है। और बात कर ले हेयर की तो ये भी काफी ज्यादा मतलब खराब है, आप लोग स्किन के ऊपर देख सकते हैं और मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। लेकिन मेरे भाई लोग यहीं पे इस वाले फोटो को आप लोग देख लीजिए यहां पे कि कितना हार्ड फोटो बना है। और मेरे लोग यहां पे देख लीजिए मतलब ये फोटो कितना हार्ड बना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ही सीवी फोटो एडिट सीखना है आपको सबसे आसान तरीके में, तो इस वीडियो को कहीं पर भी आप लोग स्किप करके ना देखते तो गारंटी मैं गाइस मैं आप लोगों से ले सकता हूं कि मैं आपको सबसे आसान तरीके में ऐसा सीवी फोटो करना आपको सिखा दूंगा। तो इससे पहले चल मेरे को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू होता हूं तो सिंपली स्टार्ट, तो सिंपली नॉर्मल फोटो के ऊपर आप लोग आइएगा एंड आपको इस वीडियो को एक एक स्टेप को देखना है मेरे ब्लॉग। सिंपली आपको फोटो को यहां से ओपन करना है, सिंपली आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मेरे ब्लॉग, जैसे कि आपका फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन जैसे ऐड होगा आपको यहां पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जस्ट नाउ इस पे क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड इसके पे क्लिक करने के बाद यहां पे मेरा एक प्रीसेट है, यहां पे मेरा एक फोटो है, ठीक है। तो अगर आपको प्रीसेट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन मेरे भाई लोग अगर आपको वहाँ पे ना मिले, मिल जाएगा 100%, लेकिन आपको डाउनलोड करने नहीं आए तो आप लोग कमेंट हमको कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है। आपको सब कुछ रियल सिखाएंगे, तो प्रीसेट को कैसे यूज करना है सीख लीजिए, यहाँ पर आइएगा। एंड मेरे भाई लोग बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सुबह से देखिए ना हमारे जो मतलब लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर प्रीसेट किसी का काम नहीं करता, तो मेरे भाई लोग देखो जब तक आपको रियल प्रीसेट नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेगा मेरे, फेक प्रीसेट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉफी सेटिंग पे क्लिक करना होगा, देखिए कितना आसान है, ठीक है। और डन कर लीजिएगा और बैक पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप कॉफी सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा ए वाला ऑप्शन एंड ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इसको एंड इसको टिक कर लेना है और क्रॉप को छोड़ के और डन कर लेना, देख लीजिए अच्छे से सीख लीजिए और कट कर लीजिएगा और बैक आइएगा फोटो वाले मॉडल के ऊपर मेरे भाई लोग। और मेरे भाई लोग सिंपली आपको ऊपर करना होगा 3 डॉट पर क्लिक मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक शो कर देगा प्रीसेट मतलब फेस्ट सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपका फोटो 1 क्लिक में मतलब व्हाइट हो जाएगा, जैसे कि मैं क्लिक करके देख लेता हूँ तो आप लोग देख लीजिए लाइव प्रूफ की फोटो यहाँ पे जो भी आपका फोटो है रिटचिंग हो चुका है, मतलब व्हाइट हो चुका है मेरे भाई लोग। सिंपली फोटो को जैसे कि आप लोगों को सेव कर लेना है अब, ठीक है। आपको मैं 2 से 3 मिनट के अंदर एडिटिंग सिखाने का मतलब गारंटी लेता हूँ मेरे भाई लोग, जैसे कि फोटो को मैं सेव होने देता हूँ। जैसे कि मेरे भाई लोग आप लोग देख ही सकते कि फोटो आपका भाई के यहाँ पे सेव हो चुका है, ओके कर लेंगे। जैसे और फोटो को जैसे कि हम लोग शेयर कर लेंगे तो कहाँ पे शेयर करते हैं जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को फोटो को सिंपली एसकेटू का एप्लीकेशन पर ओपन करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फेस को स्मूथ करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली मेरे भाई लोग इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे एडिटिंग आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको हटा लेना है मेरे भाई लोग, जिससे कि आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा, मतलब जिस भी फोटो को आप लोग मेरे भाई लोग सेव करेंगे तो आप लोग ने यहाँ से फोटो को कर लीजिएगा सेव, जैसे कि फोटो हो चुका है इंपोर्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फेस को आप लोग कैसे स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बताने के लिए आपको क्या करूँगा, सिंपली मेरे भाई लोग मैं ऊपर कर दूंगा ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक, जैसे कि हम लोग क्लिक कर लिए हैं। जैसे कि क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा आपको मैं बताता हूँ कौन सा ब्रश आपको यूज करना है अपने स्मूथिंग मतलब फेस को स्मूथ करने के लिए, आप लोगों को इस वाले ब्रश को यूज करना है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप लोग देखिए, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा और मेरे भाई लोग सिंपली आपको आ जाना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, जैसे कि हम लोग सेटिंग पे आएंगे, फॉलो को कर लेंगे 5%, स्टेन को कर लेंगे 5% एंड जो भी आपका साइज होगा मेरे भाई लोग मान के लिए मेरा साइज एंड आपका साइज हो जो भी जिसका भी हो अपने हिसाब से करके कीजिएगा, ठीक है। तो मैं 95 करके और मैं कट कर दूंगा, जैसे कि आप लोग इस तरीके से फोटो को जूम कीजिएगा और इस तरीके से फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी फेस होगा काफ़ी हार्ड क्वालिटी में स्मूथ होने का काम जो है जारी हो जाएगा, मतलब होने लग जाएगा मेरे भाई लोग। तो जैसे कि आप लोगों को अच्छे से स्मूथ करना है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। आप लोगों को
मतलब कि जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना हार्ड कंसेप्ट है और कितना ज़्यादा आसान तरीके में फेस स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जस्ट नाउ अपने फेस को कर लेना है मेरे भाई लोग स्मूथ। ठीक है, इसके बाद में आपको जो भी होता है मतलब बैकग्राउंड क्वालिटी आपको एडिट करना सिखाऊंगा सबसे आसान तरीके में। तो सिंपली इसको हम लोग जस्ट नाउ कर लेते हैं स्मूथ मेरे भाई लोग। जैसे कि मेरे भाई लोग आप लोग फोटो को देख ही सकते हैं कि आपका भाई का जो फ्री फेस है वो कितना हार्ड क्वालिटी में स्मूथ आपका भाई कर लिया है। एंड मेरे भाई लोग इसके बाद आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा लिप्स को कर देना होगा रेड। ठीक है, जैसे कि लिप्स बहुत ज़्यादा फीका है, इसके लिए सिंपली आपको लेयर पे ऊपर क्लिक कर देना होगा मेरे भाई लोग। जैसे कि क्लिक करेंगे उसके बाद ऊपर प्लस पे क्लिक कर लेंगे और जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे नॉर्मल पे आ जाएंगे और इसको हम लोग सिंपली मेरे भाई लोग कर लेंगे सॉफ्ट लाइट। जैसे कि कर लेंगे और कट करेंगे ड्रॉ करेंगे ऊपर ब्रश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे जो भी ब्रश का चूज करेंगे आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक है, इस वाले ब्रश को कर लीजिएगा आप लोग सेलेक्ट। इसके बाद आपको आना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर, एक बार क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑफसिटी को पूरा 100 कीजिएगा, जो भी साइज होगा अपने हिसाब से आप लोग करके और कट कीजिएगा। जैसे कि हम लोग कलर पे आएंगे, कलर्स पे यहाँ पे जो भी आपको कलर अच्छा लगे लिप्स का करने मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करके और यहाँ से कट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे करने के बाद आपको ऐसे ऐसे मतलब लिप्स के ऊपर कलर्स को अप्लाई करना है जिससे कि आपका लिप्स काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगेगा दिखने में और काफ़ी ज़्यादा फोटो फारूसा भी लगेगा। तो आपका भाई सब कुछ आपको बताएगा, वीडियो कहीं भी स्किप करके आप लोग नहीं देखिएगा मेरे भाई लोग, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भाई लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि मेरे भाई लोग आप लोग देख ही सकते हैं कि फोटो तो इतना एडिट हो ही चुका है। अब जो भी बात रह गया है वो रह चुका है बैकग्राउंड एडिट करने के लिए। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड एडिट के लिए इसके लिए सिंपली थोड़ा सा मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना होगा। ठीक है, जैसे कि ऑन करने के बाद फोटो को यहाँ से कर लीजिएगा आप लोग शेयर। जैसे कि मेरे भाई लोग यहाँ से हम लोग सिंपली अपने फोटो को ओपन करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। जो ये एप्लीकेशन है मेरे भाई लोग थोड़ा सा नेट से काम करते हैं, प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा आसानी तरीके में। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कट जाएगा जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं आपको बैकग्राउंड को अच्छे से एडिट करना सिखाऊंगा सिंपली। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक मिलेगा जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छे से और वीडियो को कभी भी स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा मेरे भाई लोग। यहाँ पे आपको मिलेगा एक फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन मेरे भाई लोग। तो जैसे कि ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी मिल सकते हैं और यहाँ पे भी मिल सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि मुझे 1 नंबर में मिले तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेरे भाई लोग सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और मेरे भाई लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे कि हम लोग इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेंगे और इसको पूरा कर लेंगे इस तरीके से माइनस। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग सिचुएशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी सिचुएशन होगा मतलब पूरा 100 कर लेंगे। जैसे कि इतना काम करने के बाद ह्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे, ह्यू पे आएंगे और जैसे कि यहाँ पे जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है आपके मन से। जैसे कि आप लोग ह्यू को जितना डाउन कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, कलर रिपेटमेंट में कलर मतलब रिटचिंग होता रहता है। ठीक है, और यहाँ से कर लीजिएगा डन। अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम बचा हुआ है, वोल्टा को ऑफ करके और फोटो को यहाँ से सिंपली आप लोग शेयर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ सिंपली आपको फिगर एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि हम लोग ओपन कर लेंगे फोटो को। ठीक है, अलाउ कर लीजिएगा आप लोग भी अच्छे से। ठीक है, देखिए वीडियो को तभी आप लोग समझ पाइएगा। यहाँ पे होने के बाद आपको ना मेरे भाई लोग क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली कर देना होगा आप लोगों को क्लिक। जैसे कि सॉरी इसमें आपको भी बताता हूँ, आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे कि हम लोग 1-2 PNG ऐड करेंगे जिससे फोटो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है दिखने में। एडजस्ट पे क्लिक कर देंगे, सॉरी गाइस गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और एक बुके पे को हम लोग ऐड कर लेंगे जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप लोग जाके डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से फोटो में यूज कीजिएगा। इस तरीके से आपको रखना होगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप जो भी फेस पर का जो भी मतलब चढ़ जाएगा इसका मतलब गलत पार्ट, तो आप लोग ऊपर रेजर पे क्लिक करके आप लोग इसको मतलब हाइड कर सकते हैं मेरे भाई लोग। जैसे कि हम लोग कर लेते हैं सिंपली अभी जस्ट नाउ, इतना तो कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे वीडियो में, आप लोग वीडियो को कहीं पे भी स्किप करके नहीं देखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, बस आपको करना क्या होगा जैसे कि फोटो को डन कर लेना होगा। ठीक है,
एक PNG और है जिसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सब कुछ आपको बारीकी से समझाएंगे, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिए। जैसे कि हमारा PNG यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसके पीछे जो भी है ब्लैक वाइट है, इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ब्लेंड पे आएंगे एंड स्किन कर देंगे, हट जाएगा और इसको इस तरीके से रख लेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और डन कर लेंगे। जैसे कि इतना काम होने के बाद थोड़ा सा वाटरमार्क है, इसको हटाने के लिए ऐड फोटो पे आइएगा और जिस भी फोटो को आप लाइटो एप्लीकेशन के अंदर मतलब सेव किए होंगे लाइटो एप्लीकेशन के अंदर से, उस वाले फोटो को ऐड कर लेना होगा। जैसे कि मैं कर लिया हूँ, इसको पूरा जूम कर लूँगा, ऊपर इरेजर पे क्लिक कर लूँगा और इसको इनवाइट कर लूँगा। और जैसे कि हम लोग फोटो को जूम करेंगे और इस तरीके से जो भी मतलब हमारा होगा, मतलब मान के चलिए मतलब जो भी मेरा कलर होगा, यहाँ से इस तरीके से मैं हटा लूँगा और फोटो को सिंपली डन कर दूँगा। देखिए इतना तो काम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे FX का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि सेलेक्ट है और आपको शार्पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि ये शार्पिन है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर ऐसे एक बार रखिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से फोटो में लुक आ जाएगा। ऊपर इरेजर पे क्लिक आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि क्लिक करने के बाद जो भी आपके फेस पर इसका ब्लैक पार्ट चढ़ा होगा उसको आराम से इरेज कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे भाई लोग आप लोग देख ही सकते कि जो भी फेस पर का ब्लैक पार्ट था उसको हम लोग व्हाइट करके और यहाँ से फोटो को डन कर लेंगे। इसके बाद फोटो को HD में लोड करने के लिए ड्रो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब मैं आपको हेयर को एडिटिंग करना सिखाऊंगा मेरे भाई लोग। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग 3 डॉट पे आइएगा एंड आपको सेव इमेज पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि हम लोग इस पे क्लिक करके सेव इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं सीधे SketchBook एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम फिर से आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरे भाई लोग इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर से इंपोर्ट कर लेना है फोटो को, ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक की जगह, इस पर क्लिक की जगह फोटो वाले मॉडल को आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि फोटो देख ही सकते हैं कितना फार उसे एडिट हुआ है और पूरा HD में फोटो है, आप लोग हेयर को भी देख ही सकते हैं। तो हेयर को एडिट करने के लिए आपको मेरे भाई लोग क्या करना होगा, ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना होगा। जैसे कि क्लिक करेंगे यहाँ से हटाएंगे और मैं आपको बताता हूँ, आपको इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सेलेक्ट कीजिएगा एंड आपको सेटिंग पे आ जाना होगा, सेटिंग पे आप लोग आइएगा। इसके बाद ना मेरे भाई लोग आप लोग फोलो को ऐड एंड स्ट्रेन को ऐड करके और जो भी आपका साइज होगा अपने हिसाब से करके रिकॉर्ड कीजिएगा। जैसे कि इतना काम होने के बाद आपको इस तरीके से ना मतलब इस तरीके से मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो रियल बता रहा हूँ मेरे भाई लोग, कोई भी चीज़ फेक नहीं है और कोई भी चीज़ कभी मैं आपको फेक बताऊँगा भी नहीं। इस तरीके से हेयर के ऊपर ब्रश को अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो भी हेयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम तरीके से एडिट हो जाएगा। और एडिट होने के बाद आपको जो भी फोटो का मॉडल देखने में लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगेगा। जिससे कि आप देख ही सकते हैं कि हेयर कितना फार उसे एडिट करा है सुभाष भाई, ठीक है। एंड आप भी कर पाइएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपका सुभाष भाई ही कर पाएगा, आप लोग भी कर पाइएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी हेयर का मतलब क्वालिटी है आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए और जो भी चीज़ें आप लोगों को मैं रियली तरीके से बता रहा हूँ देख सकते कि मेरे भाई लोग हेयर कितना खतरनाक तरीके से एडिट हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाली वीडियो को समझ में फिर से मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। आप लोग इस नई फोटो। थैंक यू सो मच गाइस।